तो कप्तान विराट कोहली हर जीत के बाद पूरी टीम को इसका श्रेय देते हैं, लेकिन पिछले दो मैचों में एक खिलाड़ी ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से भी सभी के दिलों में जगह बना लिया है। ये खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। अफगानिस्तान के साथ अंतिम ओवर में संघर्ष कर रही टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, हैट्रिक लेकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की। इसके बाद वेस्टइंडीज के साथ मैचों में भी उन्होंने 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच भले विराट कोहली बने, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने कहा कि प्लेयर ऑफ द मैच शमी को बनना चाहिए था। विश्व कप में भारत अभी तक 6 मैच खेल चुका है, लेकिन पहले 4 मैचों में मोहम्मद शमी टीम में शामिल नहीं थे। भुवनेश्वर कुमार चोटिले हुए और शमी को प्लेइंग 11 में जगह मिली। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को हीरो बताने की होड़ है। उनकी पत्नी हसीन जहां भी मानती है कि एक खिलाड़ी के तौर पर शमी पर उन्हें गर्व है। हसीन जहां ने बीबीसी से कहा कि शमी के लिए मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन अगर कोई भारतीय देश का नाम और शोहरत बढ़ा रहे हैं तो वो भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है। हसीन जहां और मोहम्मद शमी की रिश्ता विवादों में है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई आरोप लगाए हैं और ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल वो मोहम्मद शमी के खेल की तारीफ कर रही है। हसीन जहां का भी मानना है कि शमी का प्रदर्शन पिछले मैचों में बेहतर रहा था और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच की खिताब मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा, शमी टीम का हिस्सा है, वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बातें हैं। अंतिम मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया। वह कहती है कि उनका करियर उनकी जगह पर है, मेरी लड़ाई मेरी जगह पर है। उन्होंने मेरा घर संसार तोड़ा है, वह अपने करियर में क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मार्च 2018 में पत्नी हसीन जहां ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और बलात्कार के आरोप लगाए और कोलकाता पुलिस ने शमी के खिलाफ FIR दर्ज की। मोहम्मद शमी ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए ट्वीट किया था, जितनी भी खबरें मेरे बारे में चल रही है इस सब के बीच शमी की पत्नी ने एक और गंभीर आरोप लगाया था, मैच फिक्सिंग का। नतीजा ये हुआ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में से मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया और जांच शुरू कर दी। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को मैच फिक्सिंग के आरोप में निर्दोष पाया और शमी को दोबारा अनुबंधित किया गया। कभी कभी ये सुन के आश्चर्य लगता है कि हसीन जहां अपने पति पर और एक क्रिकेटर होने के नाते, भारतीय क्रिकेटर होने के नाते मोहम्मद शमी पे गर्व करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप भी लगाती है। असल 24 न्यूज़ से चांदनी सिंह की रिपोर्ट।